आइए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स दोस्तों आज बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप देखिए ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, दो चार पांच पढ़ने हैं। जैसे CH3 CH2 OH है, तो ये तो कार्बन की चेन हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही है? और ये हो गया OH, इसे कहते हैं एल्कोहल ग्रुप। जिस ग्रुप में OH लगा हो वो एल्कोहल ग्रुप हो गया। वैसे इसका नाम हाइड्रोक्सी है। अगर ये कहीं चेन में लगा हो तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर में हाइड्रोक्सी आएगा। और जब ये मेन हेडिंग में हो तो इसको एल्कोहल में काउंट करते हैं। जब इसका नाम लेना हो तो ओल लिखेंगे, ओल ओल। जैसे इसको मैं कहूं इथेनॉल, ये देखो। अब सारी बात क्या है, अगर मैं CH3 यानी 2 और H 2 ये बनिए 3 हो गया। इस H की जगह अगर मैं OH शिफ्ट करता तो ये हो गया इथेनॉल, और इसकी जगह मैं हाइड्रोजन ही रखता तो था इथेन। तो सारा मामला कहां चेंज हुआ, लास्ट का जो ई है उस पे गैस गिरी है, इससे ओल बनता है। कोई भी चेन आप इसमें कोई दो राय नहीं रही, ऐसे मान लो चार कार्बन के बाद OH लगा है तो 1 2 3 4 इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन ई हटा के इसकी जगह ओल लग जाएगा तो हो गया ब्यूटेनॉल। अगर ये ऐसे पांच कार्बन की चेन होती 1 2 3 4 5 इसका नाम था पेंटेनॉल। पेंटेन ई हटा दें और ओल लगा दें, पेंटेनॉल। तो जो OH होता है वो एक जो हमारा जो बेवरेजेज है, ये रम बियर विस्की, ये जब सारी जितनी भी आप देखते हो जो चीजें हैं वो OH की वजह से है। हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहल ग्रुप है वो। जो शराब मार्केट में चल रही है वो ये है इथेनॉल। इसकी जगह अगर ऐसे होता CH3COOH, यानी ग्रुप आएगा COOH, ये ग्रुप है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब इसे आप पढ़े, जैसे इसको मैं कहने लगू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो इथेन में और इसमें कहां दिक्कत आ रही है, नई चीज क्या जुड़ी है भाई? इसका ई जो है इट गेट्स शिफ्टेड बाय दिस ओइक एसिड, यानी कि COOH कहीं लगा है तो उसकी जगह ओइक एसिड लिख देंगे। अगर ऐसी बात है तो इसका नाम क्या रखते, 1 2 3 याद रखना। ये जो कार्बन होता है जिसपे OOH ग्रुप है उसे भी चेन में काउंट किया जाता है, कार्बन इसका काउंट होगा। और नंबरिंग हमेशा इसी से दी जाएगी, ब्रांच चाहे कितनी भी हो। यहां मान लो ऐसे होता, ये होता, ये होता, कुछ भी होता, नंबरिंग यहीं से आएगी।
जहां फंक्शनल ग्रुप होता है उसे ही नंबरिंग फर्स्ट मिलती है. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर में. तो आइए इस पे बात करते हैं. तीन कार्बन हो गए, इसका नाम था प्रोपेन. मगर इस लास्ट के ई को हटा के ओइक एसिड लिख दो, प्रोपेनोइक एसिड. ये साफ बात जो है. एक सबसे बोर्ड में खास बात क्या है आएगा, राइट द स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. स्मॉलेस्ट ये हो गया. अब यहां क्या लिखूं, कार्बन लिखूं क्या, यहां हाइड्रोजन लिखो. दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड इसका दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड भी है. मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड. ये चीटी एसिड भी है, डंक चीटी एसिड. यानी क्या है ये उसके जो डंक में पाया जाता है, इसके चीटी के. तो जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो उसके डंक में जो एसिड है, दैट इज फॉर्मिक एसिड. तो ये आंट्स जो होते हैं उनका जो स्टिंग है उसमें ये होता है फॉर्मिक एसिड. तो जब कोई भी चीटी काट ले तो एसिड को बेस से खत्म किया जाता है. तो मीठा सोडा रगड़ लें या लगा दें तो उससे आराम मिल जाएगा. ठीक है. कहते हैं लोहा रगड़ दो, लोहा लोहा रगड़ दो जहां काटा है. देखिए लोहा मीन्स आयरन. आयरन जो होता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में ही होगा सरफेस पे, और ऑक्साइड जो होते हैं बेस होते हैं. और बेस ने किसको खत्म करना है, एसिड को. ये लो बन रही बात. मीठा सोडा होता तो काम और जल्दी से बन जाता, कुछ ना तो ये सही है. ठीक है. फॉर्मिक एसिड. और फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं. देखो ये हल्की हल्की इंफॉर्मेशन, और फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे. फिलहाल तो हमें यही देखना है कि ये है कौन कौन और नाम कैसे लेंगे. अगर ये होता CH3CHO, CHO जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड ग्रुप. ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है अल. जब भी आप इसे पढ़ेंगे अल बोलेगा अल. जैसे दो कार्बन होते ही इथेन पढ़ते थे, इथेन. आप इसी को हटा के अल लगा दे तो क्या बन जाएगा भाई, इथेनल. समझ में आ गया. इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल ये बता दो. चलो छोड़ो सारी कहानी, हम मान लेंगे समझ में आ गया. 1, 2, 3, 4. तो ब्यूटेन होता है चार कार्बन का, मगर ये CHO ग्रुप है इसलिए लास्ट के ही को हटा के अल लगा देंगे तो ब्यूटेनल हो गया. ठीक है. ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना, ये प्लांट के क्लोरोफिल में और हमारी बॉडी में किडनी में ये बड़े फेमस है. कीटोन तो बहुत ही फेमस है. किडनी की कोई भी प्रॉब्लम होती है यूरिन में सबसे पहले कीटोन आके डांस करेगा. समझ रहे हो. तो जब यूरिन टेस्ट कराते हो उसमें मिलेगा, जब ये वही तो जो इन्फेक्शन है तो यूरिन एक बार टेस्ट करा गया जी, तो उसमें कीटोन की बॉडी डांस करती है. कीटोन डांस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ना कोई जो यूरिन में किडनी में प्रॉब्लम है. तो कीटोन होता कैसे, कीटोन कीटोन जो है अच्छे अच्छे आदमी को डांस करा देता है, क्योंकि ये किडनी प्रॉब्लम है. नाम सुनते ही घबरा जाता है. समझ रहे. तो कीटोन की ये शक्ल है भाई, CO दोनों तरफ लगे R. ये दोनों है R, इनका नाम है R. यानी R अलग अलग भी हो सकती है. कैसे, ये
जैसे ये CH3 CO C2H5, अब देखो ये इथेनल ग्रुप है, ये मिथेनल ग्रुप है और लगे CO। इसका बहुत फेमस फॉर्मूला है एसीटोन, आपने सुना होगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन प्रोपेनॉन इसको वैसे कहते हैं, प्रोपेनॉन। अगर हम इसका नाम ढूंढने आए तो तीन कार्बन 1 2 3, तो तीन का प्रोप और लास्ट का नॉन, यानी कि इसका नाम जब लेंगे ना कीटोन का नाम ऑन ऐसे बोलेंगे, ऑन ई हटा के ऑन लगाते हैं, एसीटोन इसका कौन, ठीक है ना। उसके बाद एस्टर तो आपने सुने ही होंगे, RCOOR ये एस्टर। जितने भी हमारे फैटी एसिड होते हैं